हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से शाम क्लासेस। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे, जहां सब जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन का सवाल जो है बहुत कम समय में आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन। पढ़ा होगा आप लोग, इंटीग्रेशन आता होगा तो समझना बेसिक बात है। ठीक है, समझना इंटीग्रेशन का यहाँ पे फॉर्म है आपका ए से बी। ए से बी क्या है, लोअर लिमिट क्या है, ए है, अपर लिमिट क्या है, बी है। ए से बी एफ एक्स वाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी। इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है आपका, एफ एक्स वाई एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है आपका बी माइनस ए, बी माइनस ए बाई टू। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, बी माइनस ए बाई टू। अगर इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है, अगर आपका इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है, इस फॉर्म में है ए से बी एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बी माइनस ए बाई टू, या हो सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई टू, बी माइनस ए बाई टू। इसे समझो, यहाँ पे वैसे सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ है जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आप क्या देख सकते हो। ठीक है, एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, मतलब यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या ऐसे में इतनी, और जब इसको रिप्लेस करेंगे ये जो है एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस पाई टू, क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा कि नहीं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई टू, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अपर लिमिट बी माइनस ए बाई टू, यानी क्या हो जाएगा आपका पाई बाई फोर, क्या हो जाएगा आपका पाई बाई फोर। क्या जाएगा, क्या करना है आपको, फंक्शन को टेस्ट करो। ठीक है, ये फंक्शन जो है इस फंक्शन में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये फंक्शन दोनों, ये यहाँ पे फंक्शन और ये फंक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से क्या मिल जाएगा, ये जो फंक्शन जो है ये साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो ये जब लिमिट लिमिट जब चेंज करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, याद रखिए साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस का, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट कितना है पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 बाय 2, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 बाय 2 क्या हो जाएगा पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, मतलब क्या करना, अगर इस फॉर्म में है तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, b माइनस a बाई टू। समझ में आ रहा बात, जैसे एक और क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है a का पावर साइन x y a का पावर साइन x प्लस a का पावर cos x। ठीक है, डे लिमिट है आपका मान लो 0 से पाई टू, इसको आपको करना है, मान लो एक आपको सवाल दिया हुआ है, आपको ये सवाल को करना है। ठीक है, अगर ऐसे करने जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस आएगा। ठीक है, इसका तरीका भी है, इसको वन मान लो फिर इसको फॉर्मूला लगा दो तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, देखो फंक्शन देखो, ये f(x) है और ये f(x) है, अगर f(x) को रिप्लेस करेंगे से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन में f(x) आपका यहां पे क्या करो, f(x) क्या है आपका e का पावर sin x है कि नहीं। ठीक है, आप क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ के यहां पे लिखो तो क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करेंगे इससे पाई बाई टू माइनस एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका e का पावर साइन एक्स प्लस e का पावर कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, हो कि नहीं, ये कॉस बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं बोलो, तो हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, मतलब ये है, अगर इसको रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से अगर किसका रिजल्ट आता है, दूसरा डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, क्या जाएगा इसका रिजल्ट पाई बाय 2 बाय 2 क्या हो जाएगा पाई बाय 4 हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चेक करो बन जाएगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से कहा, इसको 1 मानो फिर 2 मानो फिर करके लंबा दो लंबा हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये है, आप क्या करो, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 क्या जाएगा पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल इसमें और देख लो, एक सवाल और देख लो, समझ में आ जाएगा बन जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसमें,
रिजल्ट समझ में आया ना, रिजल्ट ये देखो, रिजल्ट ये आपका fx / fx + a a + b - a क्या हो जाएगा, b - a / 2। ठीक है, लिखो, चलो x वाला लिखते हैं। ठीक है, लिखो, जैसे ये आपका है 2 का पावर sin x / 2 का पावर sin x + 2 का पावर cos x। ठीक है, ये आपको सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिमिट लगा दो 0 से पावर 2, लिमिट का लगा दो 0 से पावर 2 लगा दो। ठीक है, ये है या भी है। ठीक है, ये लिमिट क्या है आपका, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है पावर 2। ठीक है, तो 2 का पावर sin x / 2 का पावर sin x + 2 का पावर cos x। ठीक है, क्या करना होगा, देखो sin का क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस 1 के का sin का क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा sin पावर 2 माइनस x होगा कि नहीं, ये sin एंड माइनस का क्या हो जाएगा, cos होगा कि नहीं, देखो जरा पाए कि नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट / 2 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट / 2 क्या जाएगा, ये पावर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है fx / fx + a a + b - x, तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका, b - a / 2। ठीक है, तो यही है डिफरेंट का इंटरसेक्ट ट्रिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अगर माइंड में कुछ भी सवाल आपको तो उसको कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको समझ में आए। ठीक है, जब अगला वीडियो डालेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा, वहां से आप जो वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है, हम लोग इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।